अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक। आप सुनाएं, ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा फल है जिसे आधा खाने से सब्जी बन जाती है? पढ़े लिखे वहाँ, पढ़े लिखे पतीसे, जेड़ा खाएगा नानी के घर जाएगा, जो नहीं खाएगा उसका प्यारा मामू नाराज हो जाएगा। 1 2 3 सोनू की टिकरा फ्री, जमाना बेवफा अगर टंगा पीछे गार, पतीसा तैयार, पढ़े लिखे वहाँ तुम्हारा इंतजार। ये क्या है? अच्छा ये बताओ, ये पतीसा पढ़ा लिखा कैसे? ये टीचर सपना पढ़ाती है इनको सपने। तो इनका प्रिंसिपल क्या है? ये इसका प्रिंसिपल है आंटी मरियम नवाज। फिर तो ये पढ़ा लिखा होएगा ही। अच्छा ये पढ़ा लिखा पतीसा खाने का फायदा क्या? फायदा ये है, बच्चे खुश हो जाते हैं, अपनी मामा को ज्यादा तंग। अच्छा कितने का बेच रहे हो ये? 20 का बेच रहे हैं। सही है। अच्छा जितना लोग पतीसा खाते हैं उससे ज्यादा तो मुझे लगता है तुम लोगों का दिमाग खा जाते हो। नहीं, मैं दिमाग नहीं खाता, उसका प्यार प्यार इखलाक सामने ले आता हूँ। अच्छा ये मुझे लगता है जो आप बोलिया बोलते हो ना, जिसने नहीं भी लेना ना वो आपकी बातों से यानी कि इम्प्रेस हो गया ना वो ले लेता है। हाँ जी, क्योंकि इससे मोहब्बत होती है ना। अच्छा मैंने सुना था कि कुछ लोगों की चीज़ें बिकती हैं और कुछ लोगों के बोल बिकते हैं, तो ये वही भाई हैं जिनके बोल बिकते हैं, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में ढेरों सारी मतलब बरकत डाले और अल्लाह ताला इसको और भी अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। अच्छा अब ये मुझे, ये प्लेट आपकी टेढ़ी हो रही है, ये गिर ना जाए कहीं। अच्छा अब मुझे ना आप मेरे सवालों का जवाब दें। अब मैंने तो आपकी बातें सुन ली, अब आप मेरी बात का जवाब देंगे। वो कौन सा फल है जिसको आधा खाने से वो सब्जी बन जाता है? आधा खाने से सब्जी बन जाता है, ऐसा कौन सा फल आ गया? फल है फ्लूटर। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं सोच तो लो, फ्लूटर है क्योंकि जिंदगी का मजा खट्टे में है ना, इसलिए। अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो कौन सा फल है जिसको आधा खाने से सब्जी बन जाता है? नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये गिर गया ना, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी बाद में, नहीं कह रहा आपका इंटरव्यू देते हुए। शरीफा, शरीफा फल है ये? हाँ एक फल है शरीफा। अच्छा इसका मुझे भी आज पता चला है कि मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन मैं किसी और फल का पूछ रही हूँ। शरीफे का मौसम है। अच्छा हाँ ये शरीफे का मौसम है। वही ना, आंटी शरीफा सुन रही थी, फल शरीफा है वो पता नहीं था। फल खाते नहीं? नहीं फल तो खाते, सब्जियाँ नहीं खाते, खाते फिर पता होना चाहिए ना। आप बता देना, बताएं वरना फल भी और सब्जी भी दोनों बुरा मान जाएंगे। गाजर है ना? गाजर है नहीं, हमने फल की सब्जी बनानी है, सब्जी का फल नहीं बनाना। अच्छा मतलब कि फल है बड़ा वो सब्जी बन जाएगा, 28 के बाद पता चलेगा फल को। वो बंद गोभी है। बंद गोभी वो फल कैसे हो गया? चलो सब्जी तो है, वो फल कैसे हो गया? आपने खुद कहा वो फल है जो सब्जी बन जाती है। हाँ तो वो बताओ ना, आधा खाने से कैसे वो सब्जी बन जाती है? क्योंकि फल है वो सब्जी है, ये बंद गोभी है ना, कैसे? क्योंकि पकाओ वो सब्जी बन जाएगी, अगर खाओ तो वैसे फल उठ रहे किस्म। मुझे इसका तो पता नहीं, मेरा IQ लेवल 0 हो जाएगा इससे बात करके। कॉमन सेंस का सवाल है, आपका दिमाग इतना चल नहीं रहा है। ये कल मैंने फेसबुक पे भी देखा है उसका। उसका फिर जवाब मिला? नहीं मिला, वो कह रहे थे कि ढूंढ के मुझे कमेंट में लिख देना। अच्छा तो फिर आपने ढूंढा नहीं, कल से लेकर अब तक कितना टाइम था? नहीं, मैंने ये कल फेसबुक पे भी देखा है, ये मेरे ख्याल से टिकटॉक में भी चल रहा था ये। अच्छा। मगर मैंने इसका जवाब नहीं ढूंढा। ओए होए, गूगल से सर्च करूं? ये तो चीटिंग होगी, चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग नहीं करनी, नहीं ये चीटिंग हो रही है। चलो गूगल ये बताओ वो कौन सा फल है जो आधा खाने से सब्जी बन जाता है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं रहा है, वो गूगल को भी नहीं पता लग रहा। गूगल ये बताओ कौन सा फल है जो खाने से सब्जी बन जाता है? उसने हेल्थ टिप्स निकाल दी। आधा खाने से सब्जी बन जाती, शलजम। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कौन सा फल है? आलू कचालू? नहीं।
अच्छा, आधा खाने से सब्जी बन जाती है, जापानी फल। वो कैसे? वो कैसे, वो आधा खाओ तो टमाटर बन जाता है। आलू बुखारा। आलू बुखारा। आलू बुखारा। कौन सा फल है जिसको आधा खाने से सब्जी बन जाता है? आलू बुखारा।